हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 12th इकोनॉमिक्स। चैप्टर नेम इज़ मनी। बेटा ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मनी चैप्टर, आज हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बार्टर सिस्टम। वो कह रहा है बार्टर सिस्टम का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या था, आपके दिमाग में आना चाहिए। बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, पहली चीज। चलो अभी हम इसको देखते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। अब देखो इन सब में, इसमें हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हमने देखा था, इसमें डबल कोइंसिडेंस होनी चाहिए, दोनों को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसकी वो एक्सचेंज करेंगे। तो ये एक टिपिकल करेक्टरिस्टिक था, तो इसका आंसर क्या आएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम वेयर इन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, गुड आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी। ये तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए बार्टर सिस्टम का क्या आएगा, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ऑप्शन सी। राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री इज, बैंक मनी इज द मनी विच इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या नन ऑफ दिस। बैंक मनी जो हमारी होती है वो एक तरह से जनरेट होती है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन क्या है, इसमें ना तो एक गवर्नमेंट प्रिंट करती है ना आरबीआई प्रिंट करती है, इसमें क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है बच्चे, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी। कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अ एक पर्टिकुलर एक एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है। एनी गुड विच इज एक्सेप्टेड टू द बैंक, एनी गुड विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनी गुड विच इज कॉमनली यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, या एनी गुड विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट अ फिक्स्ड रेट। इसमें देखो ए सी और डी ऑप्शन सुटेबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, एनी गुड विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी जो है हमारी कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जहां मर्जी चुला लो विद इन इंडिया। ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज में भी मनी तो है, उसमें करेंसी क्या नाम नहीं दिया हुआ है, तो मनी तो एक्सचेंज होती है, कॉमनली एक्सेप्टेड है, तो ऑप्शन बी इसका आएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एम वन मैयर ऑफ मनी सप्लाई। ये गलती से बेटा मेड लिखा गया, मैयर आएगा, मैयर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप थोड़ा कर लेना, यहाँ पे ये नहीं आएगा, मेड नहीं आएगा, यहाँ पे मैयर आएगा। ठीक है, राइटिंग मेरी गंदी है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, पर ये आप यहाँ पे मैयर आएगा। ठीक है, मैयर ऑफ मनी सप्लाई, एम वन मैयर ऑफ मनी सप्लाई में क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शंस हैं कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, टर्म डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन विल बी डिमांड डिपॉजिट्स, मैयर कॉम्पोनेंट जो है, उन्होंने कॉम्पोनेंट पूछा एक, तो इनमें सब में से कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, डिमांड डिपॉजिट, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर सिक्स। मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे इज कॉल्ड, पेयर और पे के ट्रस्ट के लिए जो मनी एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम क्या कहते हैं, फिड्यूशरी मनी। तो इसने ऑप्शन क्या दिए, फिएट मनी, क्रेडिट मनी, फिड्यूशरी मनी, या फुल बॉडीड मनी। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, फिड्यूशरी मनी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन। मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ, जो हमारी डेफर्ड पेमेंट्स की के कारण मनी का जो यूज होता था वो उससे क्या बना है, आपका फाइनेंशियल मार्केट बनी है, कॉमोडिटी मार्केट बनी है, या बोथ ए एंड बी बनी है, या नन ऑफ दिस। देखो कॉमोडिटी मार्केट कौन सी होती है, जहाँ पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है।
मनी का डेफर्ड पेमेंट के कारण हमारा जो है फाइनेंशियल मार्केट जिसमें पैसे का डील होता है. सो ऑप्शन विल बी ए फाइनेंशियल मार्केट. क्वेश्चन नंबर 8, फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड द कॉमोडिटी वैल्यू आर डिफरेंट इन द मार्केट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द गवर्नमेंट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द आरबीआई या इक्वल इन द मार्केट. फुल बॉडीड मनी वो होता है जिसमें आपकी कॉमोडिटी मार्केट और मनी वैल्यू इक्वल होती है. रिकॉल करो चैप्टर को, जिसमें इक्वल होती है मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी. तो फुल बॉडीड मनी की ऑप्शन इसकी कौन सी आएगी, ऑप्शन डी दैट इज इक्वल इन द मार्केट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 अब देखो वो कह रहा है व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, मनी वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से, ठीक है, इट इज कॉल्ड फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी या फिएट मनी. इसमें आएगा हमारा आंसर क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी में हमेशा आपकी कॉमोडिटी वैल्यू की जो मनी वैल्यू है वो एक्सीड कर जाती है, ठीक है. सो ये आएगी आपकी ऑप्शन सी दैट इज क्रेडिट मनी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. मनी इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी या फिएट मनी. इसमें आंसर आएगा आपका फिएट मनी, ऑप्शन डी, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमारे को, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू, हाई पावर्ड मनी क्या होती है. मनी मनी में दोनों आ जाएंगे ऑप्शन जो हैं, नोट्स एंड कॉइन्स दोनों आएंगे. हेल्ड बाय द पीपल वॉल्ट कैश ऑफ द वॉल्ट कैश नहीं आएगा, वॉल्ट वॉल्ट कैश आएगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये एस नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा वॉल्ट कैश, और ये ई नहीं आएगा. मनी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई. कमर्शियल बैंक्स के खुद के पास जो कैश वॉल्ट है और जो उनका कैश रिजर्व्स आरबीआई के पास है वो दोनों आएंगे इसमें. या मनी सप्लाइड बाय द आरबीआई ओनली, या टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, एंड द ऑप्शन डी इज नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल. तो इसमें आंसर क्या आएगा, हाई पावर्ड मनी क्या होती है. हाई पावर्ड मनी इज द ऑप्शन इज ए दैट इज़ अ मनी बोथ नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास भी, कमर्शियल बैंक्स के पास जो उनके पास पैसा पड़ा है कमर्शियल बैंक्स का वो भी, और जो उनके कैश रिजर्व आरबीआई के पास पड़े हैं वो भी. सो ऑप्शन विल बी ए, हाई पावर्ड मनी की इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन 12th, दैट इज हु सप्लाईज मनी इन इंडिया. इंडिया में मनी कौन सप्लाई करता है, कमर्शियल बैंक करता है, आरबीआई करता है, या गवर्नमेंट करता है, या ऑल ऑफ दिस. इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना. उसने बोला हु सप्लाइज मनी इन इंडिया. इंडिया में मनी देखो कमर्शियल बैंक भी सप्लाई करते हैं लोगों को, आरबीआई प्रिंट करता है, और गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी कॉइन्स प्रिंट करती है, ठीक है. तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ठीक है. Then comes which of the following system is followed by the Reserve Bank of India for issuing currency. Options are fixed fiduciary issue system, simple deposit system, proportional system या minimum reserve system. उन्होंने बोला currency issue करने के लिए कौन सा RBI system follow करती है, इसमें minimum reserve system follow करती है. तो इन questions को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना statement को, उसमें ही आपको answer मिल जाएगा. ऑप्शन इज डी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14th. क्वेश्चन नंबर 14th इज इन इंडिया देर आर फोर ऑल्टरनेटिव मैयर्स ऑफ मनी सप्लाई. आपने पढ़ा है ना M1, M2, M3 एंड M4. उसमें से सिर्फ उन्होंने M1 का पूछा है कि M1 क्या है. ए ऑप्शन इज करेंसी विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक या आरबीआई, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात यहाँ पे हो रही है ना, तो उसमें आरबीआई आ गया. बी आ गई करेंसी विद पीपल एंड डिमांड डिपॉजिट, जिसमें हमने अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई हमने नहीं लिया. करेंसी विद पीपल, उसमें हमने दो चीज़ें नहीं ली, आर नन ऑफ दीज. सो उसने सिर्फ M1 मैयर पूछा है. तो M1 मैयर सबसे बड़ा मैयर होता है, उसमें हमारी सारी ऑप्शन आती हैं, करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. सो आंसर इज ऑप्शन ए.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज. मनी से क्या हुआ, आपका सेल और परचेज का स्कोप बड़ा है ना. हैज सेपरेटेड एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल. उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो आप खरीद रहे हो आप खरीद सकते हो. कंबाइन द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ द एन इंडिविजुअल. कंबाइन किया ना कि आप सेल और परचेज, ये तो नहीं है ना कि आपने पहले आपने खरीदा तो आप बेच नहीं सकते हो, आप खरीद के आगे उसको सेल ऑफ भी कर सकते हो. सो द आंसर इज ऑप्शन एंड ऑप्शन डी. सॉरी, ऑप्शन डी इज, पूरी ऑप्शन मैंने पढ़ी नहीं, दैट इज ए एंड बी. सो द आंसर इसमें क्या आएगा हमारा, आंसर इसमें हमारा आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी. उसने क्या बोला, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज बढ़ा है हमारा, और सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल. ये तो जरूरी नहीं है कि हमने अगर खरीदा है तो हमने साथ में ही हमने बेचना है. मतलब एक गुड के, मतलब गुड के बदले गुड होता है तब तो वही सिस्टम होता है, पर उसने उसको सेपरेट किया है कि आप, जरूरी नहीं है कि जहाँ से आप खरीद रहे हो वहाँ पर आप बेचो भी. सो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से क्या हुआ है, एक तो हमारा एक्सपैंड हुआ स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, और दूसरा हमारा सेपरेट हुई है एक्स की सेल और परचेज की एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स की. सो ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी. ठीक है, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 16, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड. अब वो कहता है डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आ रहा है. फिक्स डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. Then comes deposits which can be withdrawn on demand and checkable deposits. Option D is both B and C. Demand deposits वो होते हैं, इसके बीच में fixed deposits की बात आती नहीं है. Demand deposits के बीच में जो आप deposits, जब आपको ज़रूरत है तब आप withdraw कर सकते हो, और दूसरा वहाँ उनसे आप checks issue भी कर सकते हो और checks उसमें deposit भी कर सकते हो. So option is option D, both B and C. Sorry बेटा, ये गलती से आपका ऑप्शन सी आ गया है, ऑप्शन डी आएगा. ये बाय मिस्टेक कई बार हो जाती है गलती. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 17. ये आ रहा है, इन इंडिया कॉइन्स आर इश्यूड बाय. अब इंडिया में कॉइन्स कौन इश्यू करता है कॉइन आपका, ये आपको देखते ही पता होना चाहिए. पूरी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो हमारी कॉइन्स इश्यू कर रहे हैं. तो इसके हम सीधा ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी. कई बच्चे इसमें आरबीआई करके आएंगे, इतना ध्यान रखना कॉइन्स जो है वो आरबीआई इशू नहीं करती है. कॉइन्स और 1 रुपी नोट्स वो सारे हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, फाइनेंस मिनिस्टर इशू करता है, और जो हमारी बाकी सारी करेंसी वो हमारी आरबीआई से इशू होती है. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 18, सप्लाई ऑफ मनी इज अ रियल फ्लो. ठीक है, देन कम स्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, या हमारा नन ऑफ दी. सप्लाई ऑफ मनी जो है वो एक टाइम पे होती है, जहाँ पे एक टाइम की बात आ जाती है वो चीज़ स्टॉक होती है, वो आपकी अब जो है आपका फ्लो वेरिएबल नहीं आता. सो इसके ऑप्शन क्या आएगी, पहले रियल फ्लो तो आएगा ही नहीं. फ्लो वेरिएबल या स्टॉक वेरिएबल में से बात है, स्टॉक और फ्लो की बात आ रही है. जो सप्लाई ऑफ मनी एक पॉइंट पे होती है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्टॉक वेरिएबल. ठीक है बेटा, ये ध्यान से करना. इनमें छोटे छोटे बहुत सारे इनके जो आंसर्स हैं बहुत क्लोज आंसर्स होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा वो क्या है. सो इसलिए इनको क्रैम नहीं करना, इनको थरली अगर आप चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप आंसर्स ईजिली कर सकते हो. ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.